संदीप सर आइए साथ में आराम से अरे नहीं आप ले लेना बाबा नहीं सब हो गया आ जाओ गिराओ मत हाँ पीछे हूँ मेरे भाई इधर नहीं है भाई जगह निकल रहा है आपके साथ एक फोटो बैठो वही वो आ रहे हैं मैं पीछे वाला चलो ये एक बहुत ही खास गाना है और मुझे जब संदीप ने बोला और सचिन जिगर ने बोला कि आपको श्लोक बोलना है तो मुझे बेहद खुशी हुई और खास करके भूमि के लिए दरअसल फिल्म का हिस्सा है क्लाइमैक्स में आता है ये गाना और बिकॉज हम सबको पता है कि भूमि इज अबाउट द वुमन इट्स अबाउट द डॉटर तो ये माता का गाना है वो उसको मतलब सेलिब्रेटिंग मतलब वी आर बॉर्न एंड रेज वॉचिंग हिम तो हमारे लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम हैज कम ट्रू टुडे मैं संदीप भाई से हमेशा कहता रहा कि वी शुड डेफिनेटली यूज हिज वॉइस बिकॉज ही सच अ बारी टोन और उन्होंने जब गाया तो मतलब जितने स्टूडियो में जितने लोग बैठे हुए थे सबके रोंगटे खड़े हो गए थे इनका जो टोन सुन के और देर इज समथिंग सो नाइव अबाउट हिम वो माइक के पीछे जाके बिल्कुल ऐसा पता ही नहीं चलता है दैट यू नो देर इज नो वेट एट ऑल He absolutely so delightful to work with. Yeah. और हमने एक नहीं हमने चार चार ट्रैक रिकॉर्ड किए और मतलब जैसे आपने पहले पूछा ही इज डन सॉन्ग्स बिफोर इज क्वाइट एविडेंट ही इज सो कम्फर्टेबल बिहाइंड द माइक एंड ही नोज कि अभी हंस की चाहिए तो ऐसा ये चीज तो बहुत ही इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस नहीं लेकिन वो हस्की के ऊपर नहीं जा सकता मुझे कोई आसान नहीं है गाना गाना बहुत मुश्किल होता है और मैं हर गाने वाले की या म्यूज़िक डायरेक्टर्स की दाद देता हूँ कि वो इतना इतने दिल से गाना गाते हैं और क्या लेवल पे गाते हैं आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम बिकॉज वी यूज़ देयर वॉइसेस यू नो आज ही मैं बोल रहा था कि अभी ये सब इक्विपमेंट आ गया है लेकिन जब रॉकी का टाइम था तो मैं देखता था कि किशोर साहब या लता जी वहाँ आके एक टेक में गाना गा देते थे Unbelievable यार तो वो टैलेंट क्या था सर आपने कई गाने गाए हैं अगर मैं गलत नहीं तो 15 चार गए तो कई गाने ऐसे बोल रहे नहीं और कई गानों में आपके बीच बीच में डायलॉग्स भी हैं तो अगर मैं पूछूं कौन सा अब तक आपका गाया गाना आपका फेवरेट रहा है तो क्या कहेंगे आप दो तीन गाने गाए हैं तो सभी फेवरेट है बहुत अच्छा लगता है इतना प्यार इतनी इज्जत मिलना लगता है भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है और बस वही प्यार और वही इज्जत की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और वो जो मुश्किल की जो दौर था वो आसानी से कट गया तो एक्चुअली अब मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब वेट करें क्योंकि ना उसमें कुछ एक उनके जैसे हम बाबा को तरह सुनते आए उसमें कुछ एक सीक्रेट है उनके एक अलग टोन को हमने एक्सप्लोर किया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अभी आपके सामने वो चीज़ अभी वो आपके सामने वो चीज़ आए वो बहुत जल्द आपके सामने आएगी जब भी आएगी आई एम श्योर आप लोग सब बहुत डिलाइट होने वाले हो जैसे हम हो रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू